हेलो दोस्तों, मैं ऐसे भी बोल रहा हूँ। और सबसे पहले हमारे भाइयों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए हम टेक न्यूज शुरू करते हैं। जो शाओमी है उसने एक टीज़र डाला था कल ट्विटर पे। तो शाओमी ने अनाउंस कर दिया है रेडमी नोट 3, लेकिन अभी उसकी लॉन्च डेट नहीं आई है। शाओमी ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपने रेडमी नोट 3 इंडिया में जल्दी लॉन्च करने वाला है। जो चाइना वर्जन लॉन्च हुआ था, चाइना में शाओमी ने जो लॉन्च किया था, उसकी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। उसमें मीडिया टेक हीलियो X10 चिपसेट है, उसमें 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन है, जिसमें सनलाइट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, और उसमें एंड्रॉयड लॉलीपॉप है। और जो रेडमी नोट 3 है वो दो वेरियंट्स में लॉन्च हुआ था चाइना में, 2GB और 16GB इंटरनल स्टोरेज वाला, और 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला। और जो दोनों फ़ोन थे वो इंडिया के हिसाब से 9,200 रुपये और 11,200 रुपये में चाइना में लॉन्च हुए थे। और जो उसका कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, और उसमें ड्यूअल टोन LED फ्लैश है। और जो इसकी बैटरी है वो मैसिव बैटरी है 4000 mAh की, और जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। और उसमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया है, जिसको शाओमी क्लेम करता है कि वो आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो फ़ोन को 0.3 सेकेंड्स में अनलॉक कर सकता है। आगे हमें पता चलेगा जब शाओमी इंडिया में लॉन्च करेगा कि अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए हम अगली टेक न्यूज़ पे चलते हैं। अगली टेक न्यूज़ जो आ रही है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है अपना विंडोज 8 का सपोर्ट सिस्टम ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। और इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 11 है, उससे पहले वर्जन के लिए अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन जो विंडोज 8.1 है उसके लिए सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट का है अभी भी, और विंडोज 10 के लिए तो है ही है। और मैं आपको ये बता दूं, जिस लैपटॉप पे मैं अभी चला रहा हूँ वो भी विंडोज 8 पे है। मुझे भी अपग्रेड करना पड़ेगा अपना सिस्टम विंडोज 8.1 पे। मैंने विंडोज 10 पे अपडेट किया था लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, वो उसमें बग्स बहुत थे उस टाइम पर, तो मैं वापस विंडोज 8 पर आ गया था। तो चलिए हम अगली टेक न्यूज़ पर चलते हैं। इंटेक्स ने जो है अपना स्मार्टफोन क्लाउड 4G फ़ोन लॉन्च कर दिया है, जिसमें 5 इंच की आपको TFT स्क्रीन मिलेगी, 480 पिक्सल डिस्प्ले मिलेगा, उसमें 1.5 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर है और 1GB की रैम मिलेगी आपको। उसकी परफॉर्मेंस इस प्राइस में ठीक है, और एंड्रॉयड आपको लॉलीपॉप 5.1 मिलेगा, और वो बहुत लाइट वेट है, 156 ग्राम का है खाली, और उसमें आपको 2000 mAh की बैटरी मिलेगी। और इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, जिसमें आप 2 सिम या 1 सिम और 1 SD कार्ड डाल सकते हैं। टॉमटॉम ने जो है वो अपनी अगली फिटनेस वॉच इंडिया में अनाउंस कर दिया है, जिसका नाम है टॉमटॉम स्पार्क कार्डियो प्लस म्यूजिक फिटनेस वॉच। इसका प्राइस 21,999 है, और अगर आपको इसके साथ हेडफोन्स भी चाहिए तो इसका प्राइस 25,999 हो जाता है। ये दो साइज़ में अवेलेबल है, स्मॉल और लार्ज, और आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्नैपडील के थ्रू आपको मिल जाएगी। और जो ये टॉमटॉम स्पार्क वॉच है इसमें म्यूजिक प्लेइंग कैपेबिलिटीज़ हैं। इसका 3GB स्टोरेज है, जिसमें आप 500 गाने तक स्टोर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही, हम आपको कल फिर से मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।